हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मस्ट। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आपने सलमान खान की फिल्म वीरगति तो देखी होगी और इस फिल्म में उनकी अपोजिट नजर आई थी अभिनेत्री पूजा डडवाल। आज ये अभिनेत्री कहाँ हैं और कैसी दिखती हैं हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों फिल्म वीरगति के लिए एक लाइक तो बनता है। इस फिल्म में पूजा डडवाल ने सलमान के अपोजिट काम किया था, लेकिन अभिनेत्री पूजा डडवाल साल 2019 में अपनी बीमारी को लेकर चर्चाओं में आई थी। उन दिनों वो एक टीबी की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। पूजा डडवाल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा सके। पाई पाई की मोहताज हो चुकी पूजा ने फिल्मी जगत से मांग भी की थी। उनकी जिंदगी में ऐसे हालात पैदा हो चुके थे कि उन्हें दूसरे के घर काम करने के लिए जाना पड़ता था। पूजा काफी लंबे समय से गुमनामी की भी जिंदगी जी रही थी। जब पूजा को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उस दौरान सलमान खान ने आगे आकर उनकी मदद की। सलमान खान ने ही पूजा डडवाल के हॉस्पिटल का पूरा खर्चा उठाया था। इसी के साथ सलमान ने उनके घर में फल और पैसे भी भेजे थे। एक समय ऐसा था जब पूजा के आगे पीछे फैंस की लाइन होती थी। अस्पताल से वापस आने के बाद पूजा ने बताया कि वो काम की तलाश कर रही थी। हालांकि उन्होंने कई जगह ऑडिशन भी दिए और सलमान खान की फिल्म में भी उन्हें काम मिला। पूजा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने एक फिल्म भी साइन की है। साथ ही उन्होंने बताया कि मैं अपनी फिल्म से जुड़ी किसी भी जानकारी को साझा नहीं कर सकती हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और जल्द ही मैं अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दूंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस महीने के अंत तक मैं काम करना भी शुरू कर दूंगी, फिल्म की शूटिंग हो जाएगी। हालांकि उनकी वो फिल्म अभी तक आई नहीं है। दरअसल अपने इलाज के बाद पाई पाई के मोहताज हो चुकी पूजा ने ये भी बताया था कि उन्हें टिफिन बनाने का काम मिला था। पूजा ने कहा था कि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मैं काम करना चाहती हूँ। मैं फिल्म इंडस्ट्री के कई दोस्तों से मिली हूँ, लोगों से काम मांग रही हूँ, लोग मुझे आश्वासन भी दे रहे हैं कि काम मिल जाएगा। पूजा डडवाल ने बताया कि उनके दोस्त और निर्देशक राजेंद्र सिंह ने उन्हें टिफिन का काम शुरू करने की नसीहत दी थी। पूजा ने भी कहा था कि इस काम के लिए मुझे जगह और सामान भी मंगवा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं टिफिन का काम तो करती रहूंगी, लेकिन मुझे अभी भी अपने पे विश्वास है कि मैं जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री में वापस आऊंगी और मुझे काम मिलना शुरू हो जाएगा। बता दें कि पूजा डडवाल ने सलमान खान के साथ वीरगति में काम करने के अलावा हिंदुस्तान, सिंदूर की सौगंध और घराना जैसे कई सीरियल्स और फिल्मों में काम किया। बीमारी से ठीक होने के बाद पूजा ने फिल्मी जगत में काम ढूंढना शुरू कर दिया था। पूजा ने कहा था कि मैं एक अच्छी अभिनेत्री हूं और एक्टिंग का अपना काम बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं और मुझे उम्मीद है कि मुझे फिल्मों में काम मिलेगा। तो दोस्तों आपने जाना आखिर पूजा डडवाल अब क्या करती है। अभी भी वे काम की तलाश में है, लेकिन अब वो काफी बदल चुकी है। दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री का ये काला सच है कि कोई किसी का नहीं होता है। इससे पहले भी कई अभिनेता और अभिनेत्रियों को आपने देखा होगा जो कि तंगहाली में अपना जीवन काट रहे थे और कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की मौत तक हो गई। इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का सगा नहीं होता है। जब तक आप दिखते हो तब तक आप बिकते हो, ये कहावत बिल्कुल सही है फिल्म लाइन के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों पूजा डडवाल के लिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, स्टे ट्यून्ड, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड बाय।